हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल यम मम्स किचन में। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी कुछ इस तरह का डिश जो अगर नहीं भी पसंद हो तो इस तरह से अगर बनाएंगे तो सबको पसंद आएगी, तो इसे सभी पसंद करके खाएंगे। अगर एक बार इसे बना के इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से ही मैं बना के बताऊंगी। तो देखिए, मार्केट से कभी भी लीजिए भिंडी तो बिल्कुल एकदम अज्जू लीजिएगा, छोटा छोटा बिल्कुल, देखिए बिल्कुल दब जाए अंदर, सॉफ्ट सॉफ्ट लीजिएगा इस तरह से, बिल्कुल नरम नरम अज्जू, जिसका भुजिया बहुत अच्छा बनता है, काफ़ी टेस्टी भुजिया बनता है। तो इस तरह से एक बार आप फ्रेंड्स ज़रूर बना के देखिएगा, बिल्कुल कम खर्च में, कम समय में, जल्दी कहीं जाना हो तो कैसे आप झटपट से बना सकते हैं, काफ़ी बढ़िया लगता है। कुछ ट्रिक्स ऐसा बताऊँगी जिसे सभी पसंद करके खाएंगे। तो हम इसको पतले पतले पहले कट कर देते हैं, तो पतले पतले आप मोटा भी कट कर सकते हैं या पतले भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, हम थोड़ा और भी पतला कर देते हैं, अगर आप इतना काट नहीं तो इतना पतला काट सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे कट कर लेंगे, प्याज भी 3 ठो है, वो भी पतले पतले हम काट लेंगे। देखिए हम सारे कट कर लिए हैं, बिल्कुल पतले पतले से हम काटे हैं इस तरह से। यकीन मानिए, अगर कोई नहीं खाना पसंद करेगा इस तरह का भिंडी का भुजिया, तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो सभी पसंद करके ज़रूर खाएंगे। तो चलिए, एक कढ़ाई हम गरम करने के लिए रख देंगे, उसमें हम तेल डालेंगे। तेल आप जो भी खाते हैं वो डाल सकते हैं, हम मस्टर्ड ऑयल डाल रहे हैं, 4 चम्मच हम तेल डाल दिए। जब तेल गरम हो जाए तो उसमें मिर्ची डाल देंगे, तो मिर्ची आप चाहे तो तोड़ के भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो ऐसे ही डाल सकते हैं। इसको भी थोड़ा सा ब्राउन होने दीजिए, थोड़ा सा जब अच्छा से पक जाएगा तब तो उसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को हम 1 मिनट भून लेंगे, ज़्यादा भी नहीं भूनेंगे, नहीं तो बाद में जाके थोड़ा सा बहुत नरम हो जाएगा। 1 मिनट ही इसे भूनेंगे, देखिए 1 मिनट भून लिए। इतना ही पर अब हम भिंडी डालेंगे, बिल्कुल सिंपल तरह से आप बनाइए, लेकिन कुछ खास ट्रिक है जिसे फॉलो कीजिएगा तभी जाके ये सभी को पसंद आएगी। इसी तरह से बना दीजिएगा तो नहीं कोई खा पाएगा, लेकिन देखिए मैं एक चीज़ ऐसा डालूंगी जिससे सभी पसंद करेंगे। भिंडी को अच्छे से हम चला देंगे, साथ साथ इसी में हम 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। अगर नींबू खाना पसंद नहीं करते हैं तो इमली का रस भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब थोड़ा खटाई डाल देंगे तो वो लस लस जो होता है भिंडी में वो नहीं होगा, इसे सभी पसंद करके खाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस ट्रिक को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, इस तरह से अगर बनाइएगा तो काफ़ी टेस्टी भी बनता है, खटापन बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल काफ़ी अलग सा स्वाद अच्छा लगेगा। तो इस तरह से एक बार 1 चम्मच नींबू का रस या इमली का रस कुछ भी डाल के एक बार ज़रूर बनाइएगा। आपसे कैसी बनती है वो भी हमें ज़रूर बताइएगा कॉमेंट करके। तो देखिए, थोड़ा भी लस नहीं आ रहेगा, शुरू में थोड़ा रहेगा भी लेकिन बाद में थोड़ा भी नहीं रहेगा। तो 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर भी रख देंगे, अब फ्लेम हम मीडियम कर देंगे, ज़्यादा भी नहीं हाई करेंगे, नहीं तो जलने लगेगा, ये शरीर के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। ज़्यादा हम ऑयल भी यूज नहीं किए हैं, कम ऑयल में ही बिल्कुल स्वादिष्ट भुजिया बना के तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम सारे को अच्छे से चला देंगे, चाहे तो आप ढक के भी पका सकते हैं या खुला भी पका सकते हैं, ऐसे भी भिंडी बिल्कुल नरम होता है तो पकने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बिल्कुल ही सॉफ्ट आराम से पक जाता है, 5 मिनट में भी बिल्कुल झटपट से तैयार हो जाएगा। तो इसको हम चला देंगे, फ्लेम कभी हाई भी कर सकते हैं या मीडियम या लो कर दीजिएगा। अब लास्ट में हम नमक डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, हम 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाले हैं। इसको भी अच्छे से मिला के हम 2 मिनट और पका लेंगे धीमा फ्लेम पे।
अब फ्रेंड्स मेरी वीडियो अगर पसंद आती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब तो प्लीज़ करते रहिएगा। इसको देखिए अच्छे से भून लेंगे। इसको भी हम नमक डाल के हम 2-3 मिनट भून लेने से धीमा फ्लेम पे क्या होगा, अंदर तक नमक चला जाएगा। आप इस तरह से कभी बनाते हैं कि नहीं, ये आप ज़रूर इस तरह से बना के कभी जल्दी हो तो ज़रूर खाइएगा, ये सभी पसंद करते हैं। फिर से हम चला देंगे अच्छे से। अब देखिए बिल्कुल तैयार हो गया। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट भिंडी बनके तैयार हो गया। तो इसे अब हम प्लेटिंग में भी कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड के साथ शेयर भी करते रहिएगा। बिल्कुल हम कम सामान में बिल्कुल अच्छा अच्छा वीडियो बना के ले आएंगे। देखिए कितना बढ़िया देखने में भी लग रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट है। देखिए बिल्कुल पक गया है, बिना ढके भी आराम से पक जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो ये रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, किसी चीज़ के साथ ये सब कर सकते हैं, कभी भी आप बना के झटपट से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।